की मूल्य वृद्धि और अन्य समस्याओं को लेकर जनसंघ पार्टी के लोगों ने इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कुछ लोगों के साथ इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर शनिवार को पहुंचे और पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि व विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान पार्टी के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आमजन की समस्या को देखते हुए पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम किया जाए। भाई साहब, हमारे जनसंघ पार्टी के तरफ से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जनसंघ पार्टी ने जो अभी जनता महामारी से पहले जूझ रही है अपने भारत में, और उसके तहत आज महंगाइयाँ भी बढ़ गई हैं और साथ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से किसान भी प्रभावित हो रहा है और आम जनता भी महंगाई से बहुत परेशान है। तो ये ज्ञापन आज हमने जनसंघ पार्टी की तरफ से कमिश्नर साहब को राष्ट्रपति जी के लिए दिया है, महामहिम राष्ट्रपति के लिए ये ज्ञापन दिया है और आशा कर रहा है, उनसे लिखा है कि आप इसकी कीमतों को वापस लीजिए और जनता को कम से कम सुकून दीजिए थोड़ा। तो जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और किसान को बिजली और भी जो मुआवजे मिलते हैं उससे भी वो परेशान है, और पुराने जो फसल थी उसके आज भी उनको पैसा नहीं मिला अभी तक। सामान बरसात बारिश होने के कारण भी किसानों का बहुत सा सामान वेयरहाउस में ख़राब हो गया, जो भी अनाज था वो था। तो ये महंगाई को देखते हुए हमने जनसंघ पार्टी की तरफ से आज ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है कि ये पेट्रोल की कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो पेट्रोल फ्री में बांटे जा रहे हैं अमेरिका में और वहाँ पर, और पेट्रोल को स्टोर करने के लिए अमेरिका और दूसरे खाड़ी देशों में जगह नहीं है और वो उसको फ्री में देने के साथ साथ $5-6 भी दे रहे हैं प्रति बैरल के हिसाब से। तो जब इतनी सस्ता पेट्रोल है तो यहाँ पे आके ये इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये पेट्रोल का अभी तक समझ में नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेट्रोल की कीमत से हमारा सारा व्यापार और सारे किसान भाई और सभी इससे पीड़ित हैं, तो कृपया करके ये महंगाइयाँ कम करिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब लगाम लगाइए।